अभी के बाबलू के भैया अभी के बाबलू के हाँ ये ब्लूटूथ है हमारा हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं सोनम आपका वेलकम करती हूँ सोनम तिवारी ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज आप देख रहे होंगे मैं हूँ रेडी और हमारे पति देव कर रहे हैं पैकिंग। इधर देखिए इधर, तो ये कोई जमाना नहीं तो गाइस हो रही है पैकिंग, बस हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस आप ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया ही था हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं निकल बस निकलने वाले हैं। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं जैसा कि हम लोग घर से निकल चुके हैं स्टेशन पहुंचने के लिए, और स्टेशन पहुंचने के लिए हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोगों को पहुंचना है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चलने वाला है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और सफ़र का भी आपको पूरा मज़ा मिलेगा। जैसा कि आपको हम बता दें, ये है हमारी पति देव के साथ फर्स्ट जर्नी, और इसके पहले हम लोग अभी कहीं नहीं गए हैं। तो आप वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, ये हम लोग की फर्स्ट जर्नी है और पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन अभी नहीं आई है। तो पति देव ट्रेन का मजा लेते हुए हेलो गाइस, तो हम लोग ट्रेन पर बैठ गए हैं और यहाँ पर हम लोग को मिल गई है विंडो सीट। तो विंडो सीट पर बैठे हुए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और फुल ऑफ मजा लेते हुए। और मैं आपको बताऊँ ना, एक्चुअल में मैं फुल वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग को ट्रेन का इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, इस वजह से हम लोग के भाग दौड़ थी, भाग। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एक्चुअल शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो शूट करूँगी, बट क्या बताऊँ रास्ते से वीडियो रोकनी पड़ी और वहाँ से रुकी गई, और बस इसी तरह से हमारा वीडियो शूट हो पाया जो थोड़ा बहुत। और आपको हमारे वीडियोस में वॉइस ओवर ही मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं बोल पाई उस तरह से जिस तरह से मुझे बोलना चाहिए था। और ब्लॉग को बनाना भी मेरे ब्लॉग को बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस बीच हमारे ब्लॉग्स नहीं आ पाए। एक्चुअली में मैं ये सोच रही थी मैं कहीं जाऊँगी तब का वीडियो डालूँगी, और वो दिन आ गया है गाइस। तो हम लोग घूमने के लिए रेडी हो गए और बस प्लान बना, हम लोग निकल पड़े। तो गाइस हमारा जाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, वैसे मैं आपको बताऊं तो गाइस हमारा ये मकसद था कि हमारे पतिदेव का बर्थडे भी हो और हम लोग साथ में घूम भी आए, तो एक साथ दोनों काम हो गए और हम लोग फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे। आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैं फर्स्ट बर्थडे कहाँ बना रही हूँ और मैं क्या गिफ्ट दूँगी पति देव को, ये सब कुछ आपको वीडियो देखते जाइए, वीडियो से पता चलेगा। फिलहाल एक साथ सारा वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियोस डालूंगी, तो आप देखिएगा और वीडियो और बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और बस देखते जाइए आप ट्रेन, आप भी ट्रेन का नज़ारा देखते जाइए, ट्रेन का मज़ा लेते जाइए और इसी इंटरेस्ट के साथ हमारा वीडियो देखते जाइए। और हेलो गाइस, तो ट्रेन में हमारा सफ़र कैसा चल रहा है?
तो हम आपको बता दें, हमारा ट्रेन में सफर कुछ ऐसा कर रहा है, ऊपर वाली सीट पर बैठे हुए हैं सबसे ऊपर साइड, और ऊपर बैठे हुए हैं जो आ रहा है खा रहे हैं खाते पीते और वीडियो बनाते। ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता, ये इस चीज़ के लिए ऊपर वाली सीट बहुत ही बेस्ट है हम थिएटर के लिए। तो मेरा तो यही रहा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर बैठे आके, और पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो भी है अपना सामान रखा, उसके बाद बैठ के देखने लगे कि हमारा वीडियो कहाँ से सेट हो सकता है, कहाँ से हम वीडियो बना सकते हैं, कहाँ से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी किए हैं ट्रेन में थोड़े बहुत, और फ़ोटोशूट किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने वीडियो भी क्रिएट की हैं। ज़्यादा वीडियो क्रिएट मतलब शुरुआत से नहीं हुई है, बट मैंने यहाँ पर तो ऊपर वाली सीट में सबसे ऊपर बैठ कर मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाकर हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं अपने वीडियो हर जगह ही अपलोड करूँगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, हर जगह, और आप जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे मेहंदी वाले चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे उसमें भी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इस चीज़ की मैं बहुत 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 ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती, पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि उस वाले चैनल में हमारे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा। मैं इतनी की मेहनत कर रही हूँ, जब से मैंने चैनल बनाया है, मैं आपको बताऊँगा, मैंने ब्लॉगिंग तक छोड़ दी, मैंने उस चैनल में इतनी ज़्यादा मेहनत की है और कर भी रही हूँ। डेली मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करती हूँ, दूसरा काम बाद में करूँगी। यहाँ तक मैं बता दूँ, मेरी जब शादी थी तब भी मैंने सारे वीडियोज़ डाले हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो जिस दिन मैंने वीडियो ना डाला हो। मेहंदी का वीडियो मेरा ज़रूर पड़ा है, और शादी का भी पड़ा है, शादी के टाइम में भी मैंने बहुत वीडियो बनाया। शादी के बाद थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ थोड़ा ससुराल में, और इस वजह से वीडियो थोड़ा कम बना पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब फ्री होती हूँ तब मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, और वैसे मेहंदी वाला मेरा परमानेंट चल रहा है, उसमें मेहंदी के वीडियोस आते हैं। आप जिसने भी अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हमारे वीडियो को प्यार दीजिए। बस यही आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, सफ़र का मजा लेते रहिए। जैसे मैं घूमूंगी वैसे आपको घुमाऊंगी, मैं अकेली सब कुछ नहीं घूमूंगी, मैं आपको भी घुमाऊंगी, मेरा घुमाना फर्ज है। तो आप बस वीडियो एंड तक देखिएगा और देखते जाइए हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो अब टाइम हो रहा है 7:41, और बस हम बैठे हुए हैं ऊपर करवाली सीट में, तो आराम भी कर चुके, लेट भी चुके, सो भी चुके। 12:50 की हमारी ट्रेन थी, तो इतनी देर में सब कुछ हो चुका है, और अभी कल तक भी ऐसे ही बैठना है हम लोगों को, ऐसे ही पूरा, तो इस चीज़ के लिए एक्टिव भी रहना है। तो हमारा वीडियो देखते रहिएगा, जो होता जाएगा जैसा होता जाएगा तब हम आपको दिखाते जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं वापस से आ चुकी हूँ। सो गाइस, आपको मैं जैसा कि बता दूँ, ये टाइम है सुबह के 6:10, और आपको मैं मॉर्निंग का व्यू भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पतिदेव का ब्रश करना स्टार्ट हो चुका है ट्रेन में, और फिलहाल ट्रेन बहुत ही अच्छी थी, जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। चाय कैसी? नहीं चलेगी? बढ़िया भैया।
छीना भी है पीना में जाना है। अकेले समोसा खाते हुए देखो खा रहे हैं अकेले अकेले। सो गाइस, जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमारा ट्रेन में सफ़र कुछ इस तरह का कट रहा है। हंसते खेलते घूमते फिरते नाचते गाते बस इसी तरह हम दोनों मस्त, कभी इधर कभी उधर, ट्रेन के विंडो के पास, कभी गेट के पास। बहुत ही अच्छा लगा और हम लोगों ने ढेर सारी वीडियो शूट की है और आप जाकर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और फिलहाल बाकी वीडियो हमारे देखते जाइए। हमारा सफ़र कुछ इस तरह का है कि हमारी ट्रेन थी यही दोपहर की और हम लोग को शाम को पहुँचाया। पहुँचने ही वाले हैं ऐसा बोल बोल कर हम लोग इतना टाइम बिता चुके हैं ट्रेन में और फिलहाल अब आने वाला है। आपको हम दिखाते हैं कपास की खेती, ये देखिए। और फिलहाल ट्रेन का मजा लेते हुए हमारे